50 मन 35 मन 40 के बीच में जरूर होगा, जरूर होगा जिस हिसाब से फाल लगा है, इसका फड़ी लगी है। अच्छा जो भाई सभी किसान भाइयों को सतबीर चहल की राम राम। आज सभी किसान भाइयों को मैं ऐसी वैरायटी दिखाऊंगा सरसों की जो शायद आपने पहली बार देखी होगी, गुच्छेदार जो इसमें फड़ी लग रही है आप देख लो। और यह वैरायटी भाई अपने शायद भाई इंडिया की तो है कोनी, बाकी किसान भाई तो पूछांगे यह वैरायटी कतोड़ता लाए है कितनी इसमें भाई औसत इसमें लिगड़ेगी। पैदावार की बात करा भाई तो जिस तरह गुच्छेदार लग रही फली नीचे तक लेकर और ऊपर तक लग रही भाई, मैंने भी पहली बार देखी है। इस टाइम भैया लोकेशन बता दूं आपने, उकलाना और बरवाड़ा के नजदीक है भाई, हल्का उकलाना और बरवाड़ा के बीच का लोकेशन है बहनी बैदसापुर गांव में है। इस टाइम भाई किसान भाई भाई ईश्वर भाई राम राम भाई। राम राम जी, राम राम चल साहब। भैया गुच्छाली सरसों भाई का तोड़ तो लिया भाई ये चहल साहब, ये बाहर की वैरायटी है, जैसे अफगानिस्तान पाकिस्तान उधर से ज्यादा होती है और वहाँ से किसी अपना यार दोस्त है उसने पिछली बार थोड़ा बीज ले गया था वो, यानी कि पिछली बार आपका यार दोस्त लेके आया था। हाँ, तो उसने वो आपने पहली बार वही है। हाँ, वो उसने थोड़ी सी लगाई थी उसके वहाँ से थोड़ा सा बीज ले गया था। अच्छा अच्छा, तो कितने एकड़ में आपने ये लगा रखी है? ये अपने लगभग 4-5 एकड़ में। 4-5 एकड़ में औसत की बात करो तो 5 एकड़ में अपना लगा रखी है, कितने के लिगड़ जाएगी, कितने की अपना संभावना दिखने लग रही है? औसत तो देखो जी जहाँ से हमने ली थी उनका कहने का मतलब है 10-12 क्विंटल से लेके 15-20 क्विंटल तक इसकी पैदावार हम ले सका। 10-12 से 15 क्विंटल प्रति एकड़, प्रति एकड़ 10-12 क्विंटल, यानी कि 35-40 मन। हाँ, 35-40 मन होगी भी तो किसान की बल्ले 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 बल्ले। लेकिन हमने पहली बार लगाई इसकी औसत देखेंगे क्योंकि अब की बार बीमारी। हाँ बिल्कुल, मुख्य मौसम की भी मार थी ज्यादा और बीमारी भी ज्यादा, सारी अपने आस पास के एरिया में सारे सरसों खत्म हो चुकी है बीमारी के कारण। बीमारी यहाँ भी कुछ आई है, इस सरसों में भी कुछ आ रही है, हो रहा है। लेकिन फिर भी मनु लगा है भाई 15-20 मिनट तो घट फिर भी कुछ नहीं। लेकिन इसके एक बात देखिए आपने खास, मना देखी इसका पौधा का जो फैसला नहीं और सरसों तो 3-4 गुना ज्यादा खुला है। हाँ, तो 3-3 फुट पर इसकी बिजाई करी थी। एक बार मैं कैमरा मैन तक कहूंगा ये जो फैसला दिखा दे भाई, ये देख लो एक पौधा यू है दूसरा पौधा यू है, पौधा का फैसला लगभग भाई ये दे इतना फैसला है, ये इतना फैसला, ये तो ये जोतते हो गए तो 1.5-2-3 फुट का अंतर, मतलब 1.5-1.5 फुट पर सरसों भी है ना। हमने एक खुद रोक दिया था बीच में। अच्छा, एक खुद क्यों रोक दिया? एक रोक दिया था। हाँ, पोर रोक दिया था, तो 3-3 फुट बिजाई होगी इसकी। और इसका बीज भी एक एकड़ में हमने 250-300 ग्राम गिरा था, कुले 250-300 ग्राम एक एकड़ में 250 ग्राम भाई। हाँ, 250-300 ग्राम बीज डाला था, 2-2 किलो गिरा है। लेकिन उसमें क्या है की बार जर्मिनेशन की दिक्कत, कोई भी सरसों लगाई सब में जर्मिनेशन दिक्कत आई, तो इसमें भी जर्मिनेशन में दिक्कत आई है। लेकिन दोबारा से हमने इसे नहीं बोई क्योंकि बीज नहीं था हमारे पास। हाँ, बस जितने भी हो जाए इतनी बड़ी है ताकि और किसानों को पता चल सके। लेकिन पैदावार की बात करें इतनी पैदा हो जाए, लेकिन सबसे बड़ा क्या है किस्मत भी काम करेगी। चल साहब बिल्कुल, हम जैसे कोई भी फसल लगाता गेहूं है 2 एकड़ में लगा दी, एक ही बीज है, एक ही कंपनी है, एक ही वैरायटी है, एक ही पानी हुआ है, एक मत मन कर 70 मन हो जाए, एक मन 50 मन, अरे एक भाई ऐसा मन कर छिंटेगढ़ यार बाद में संभाला कि मैं करता नहीं उड़ता उसका मतलब अच्छी हो जाए, वो किस्मत का खेल भी होने का है। लेकिन इसकी पैदावार हम माना 10-12 क्विंटल से लेके 15-20 क्विंटल तक हम ले सका। लेकिन हमने इसकी बिजाई आपको और बता दूं आपको 3x3 भी करी है, 1.5x1.5 भी हमने करी है, छिंटे की भी करी है, तीनों तरह का, तीन तरह की, मतलब सारे तरीके अपना के देखे ताकि कौन सा बढ़िया होगा, कौन सा बढ़िया रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा। तो या आप जिस किला में खड़े हैं या हमें 3 फुट वाली है, 3 फुट वाली इसमें ये मानो ये क्यारी है आधा एकड़ की है, आधा एकड़ की है, तो ये मानो 2-2 कनाल हो गया, 4 मतलब 8 कनाल 1 एकड़ होता है, तो 4 कनाल का किला ये है, 4 कनाल का ये आधा आधा एकड़ के, ये मानो 2 कनाल में ये और 2 कनाल में आधा एकड़ मानो, ये अलग अलग रखी हुआ क्यों गैप ज्यादा हो गया एक तो, और एक फिर इसका जर्मिनेशन कम हुआ, बहुत ज्यादा जर्मिनेशन कम हुआ है क्योंकि जर्मिनेशन की बार सरसों में गर्मी आ गई थी, कुछ कसारी सी आ गई, सरसों काट भी गई थी बिल्कुल। तो दाना की जो मोटाई की बात करें, दाना की मोटाई, दाना मोटाई पूरा है, दाना सरसों आप देखो ये निकाल के देखो आप, मैं आपको दिखा तो देखा भी था एक बार, तो ये देखियो अभी तो भाई पका नहीं है, पका कच्चा है, कम से कम 10-12 दिन 15 दिन तो ले होगा, बिल्कुल ले होगा जी, ये देखो जी। और भाई दाने भी लगभग भाई 2, 4, 6, 8, 10 तो इस साइड में हो गए और 8-10 इस साइड में, 8-10 इस साइड में, यानी कि एक फली में 15-16-14 के बीच में दाने हैं। हाँ, मतलब ये ऊपर तली हमने लंबी फली मड़ी लिया, इनमें थोड़ा ऊपर से ज्यादा हो जाएगा और भी ज्यादा आ जाएंगे। और भाई गुच्छेदार भाई नीचे से लेकर ये देखे, ये देख ऊपर तक जमा गुच्छे लग रहे भाई। नहीं चल साहब आपने देखी होगी इसकी पैदावार, पहली बार देखी भाई, पहली बार देखी इसकी, लेकिन औसत आपने देखी होगी, आम औसत उससे ज्यादा निकलेगी नहीं निकलेगी फिलहाल, वो तो देख भाई वही बात सुनी जो निकलेगी
तसली जद होगी आंदो जो मैं काफी मैच करनी इज्जत की मेरा पटेगा बाकी दिखना मेनू लगा है भाई 20 मिनट तक हट तो रंदी को नहीं जिस हफ्ते बचीदी भी है जर्मिनेशन कम हुई है और बीमारी ज्यादा आई बीमारी ज्यादा बहुत ज्यादा बीमारी अगर भाई नु लगा है या जे बीमारी नहीं आवर नहीं या 50 मिनट 35 मिनट 40 के बीच में जरूर होगा जरूर आवर जिस हिसाब से फल लगा इसका फली लगी अच्छा जो भाई लेके आया था भाई वो अपने हरियाणा का था बाहर का था राजस्थान का था राजस्थान का था भाई बताने लग रहे भाई और ये बीज है भाई अफगानिस्तान का अफगानिस्तान पाकिस्तान से अफगानिस्तान पाकिस्तान यानी कि भारत का कौन था दूसरा हां हां उधर से आए हैं उस साइड से आता हां कितना बीज लेके काली सरसों में कई भाई कहते पीली सरसों में ये काली सरसों में जैसे काली सरसों हां काली सरसों में पीली सरसों यानी कि बामा भी बिकेगी फिर तो बामा भी बिकेगी ये बढ़िया भी भाई बिकना सेब के बारे में पता चला कितने के रेट चलता है तो तेल ताल की मात्रा तेल की मात्रा उसके बराबर ही लगभग अच्छा जो अपने नॉर्मल है वो तो कहो तो उससे ज्यादा भी आ सकती है अच्छा ज्यादा भी आ सकता है हां उससे ज्यादा भी तो किसान भाई अगर लेना चाहो तो आपका भाई कोई संपर्क से सूत्र नंबर भाई लेना चाहो तो कांटेक्ट नंबर कांटेक्ट नंबर 94160 भाई आपने जो स्क्रीन पर दिखने लग रहा है इस भाई तक संपर्क कर लियो भाई ईश्वर सियाग भाई डाणी बहनी बैतसापुर गांव से है भाई बरवाला के पास है यानी कि अलका पड़ा है यो उकलाना और नजदीक पड़ा है बरवाला का भाई एक नंबर और है 94-98-134 है 98-134 दूसरा नंबर और लिख लियो भाई 80-333 दूसरा नंबर पर संपर्क कर लियो भाई तो लेगी हाँ बिल्कुल लेगी एक महीना लेगी महीना नहीं ले भाई 20-25 दिन 20-25 यूं मान लो तीसरे महीने की 10 तारीख के मान लो क्योंकि ये भाई फूल गिर गई लाली हाँ फूल गिर गई मतलब पकनी जा रही है फूल आ भी रहे हैं उधर वो देखो और कुछ भाई आप पकी भी दिखा दे अपना कुछ पक भी रही है कुछ पक भी रही है ये देख और उधर देखो बिल्कुल भाई दाना इसका भी काला है काला दाना है जी क्योंकि ये भी टाइम ले होगी लाली ले होगी उधर देखो मतलब मीडियम सा भाई ना काला और ना यू है ब्राउन सा है ब्राउन सा मतलब पके बाद में काला उधर दिखाओ इसमें अभी मतलब पकने में टाइम है थोड़ा टाइम लगा भाई ये फूल पे रही है हाँ देखो मतलब एक भी ना तो लगेगा लगेगा हाँ मान लो 20 दिन भाई मौसम थोड़े भाई करने आ रही है कि मेरा पहले भी आज है 20 दिन में भी आ सका है बिल्कुल बिल्कुल बाकी निकाल लोगे तो एक भी ना तो लगेगा तो भाई इस नंबर पर संपर्क कर लियो भाई था ट्रायल के तौर पर भाई कम से कम भाई आधा एकड़ खातर जरूर ले जियो मतलब ट्रायल करना सही है मैं भी नहीं कहता भाई आप जो 20 किलो में वो हो तो भाई 20 किलो का इसका भी बीज ले जियो लेकिन ट्रायल के तौर पर केवरा किसकी कौन सी सूत आज है अगला गेड़ा बोल दियो भाई जिस ट्रेयू भाई ने 4 एकड़ में बोई है हां 4-5 एकड़ में 4-5 एकड़ में बोई है और दो भाई ने तो थोड़ी कैरी में बोई थी के उसने तो थोड़े थोड़ा बीज मंगाया था एक नाल दो नाल में अच्छा उस पर तो बीज मंगाया था बीज मंगाया अच्छा 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 पर राजस्थान से लेके आया भाई कोई रिश्तेदारी होगी चलो आपने भाई वीडियो किसी लगी और सरसों किसी लगी भाई इसको लेकर भी कमेंट करना है और जो साथी भाई हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करियो भाई मिलेंगे अगली वीडियो पर तब तक के लिए सतवीर चहल की राम राम जय जवान जय किसान जय गौ माता की।